नमस्कार, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं डीसी ऑफिस पहुंची हैं। डीसी ऑफिस छात्राएं क्यों पहुंची हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को आप शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई को छोड़कर यहां पहुंची हैं, काफ़ी परेशान लग रही हैं, क्या कुछ वजह है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से अपील इस खबर को आप शेयर जरूर करें। क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है कॉलेज में? सर हमें दिक्कत ये है, हमारा कॉलेज नहीं दे रहे है, दो साल छः साल से बन रहा है, दो साल की हमारी टाइमिंग थी, इन्होंने देना था हमें, और दो साल से ही इसका बिजली का काम नहीं चल रहा, सिरसी से इसकी बिजली की तार लेनी है, दादूपुर से सिरसी 15 मिनट का रास्ता है, उससे भी ये तार नहीं ले पा रहे, और दो साल से हम अपने स्कूल के पीछे कॉलेज में, कॉलेज कहाँ जाता है सर, उसे स्कूल को कॉलेज कहा जा रहा है सर, वहाँ पे स्कूल से निकाल के स्कूल में ही रख दिया हमें। दो कमरों में पढ़ाई हो रही है और क्या सर, 200 बच्चे हैं, अब दो कमरे हैं और एक ऑफिस है, तो दो कमरे और एक ऑफिस में 200 बच्चे कैसे आ जाते हैं फिर? वही तो सोचो सर, 200 बच्चे कैसे आ जाते हैं, एक रूम बहुत बड़ा है सर, उसमें बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम है सर, बीच में अलमीराज लगा के दो क्लासेस लगाई जाती है, सेकंड और लास्ट बेंच वगैरह की व्यवस्था है या धरती पे बैठते हो? सर कुछ बच्चे तो धरती पे बैठेंगे क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ तो है हमारे क्लास की, फर्स्ट ईयर में 17-18 बच्चे होते हैं, 70-80 बच्चे होते हैं सर, जिनकी 10 बच्चों की भी क्लास लगती है ना एक सब्जेक्ट के, की 70 बच्चे बाहर बैठते हैं सर। कौन कौन सी पढ़ाई होती है वहाँ पे? सर अभी तो हमारे हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो अब आए हैं सर, हमारे बीकॉम की होती है वहाँ पे, बीए की होती है, बीएड तो है नहीं है सर वहाँ पे, और बीएससी है सर। बीएससी भी है? हाँ जी सर। कमरे तो वहाँ पे कंप्यूटर का भी टीचर नहीं है सर, साइकोलॉजी का टीचर नहीं है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल दिया है उन्होंने, उसका भी टीचर नहीं है सर। हमारे सरकार ने कहा था कि बेटी को पढ़ाने के लिए हम सर, वैसे तो नारा लगवाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेंगी लड़कियाँ जब सारी व्यवस्था ही नहीं होगी सर, कॉलेज में कोई व्यवस्था होगी तभी पढ़ेंगे ना सर। ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन? सर हमारी मांग यही है जल्दी से जल्दी हफ्ते तक हमारा बिजली का काम हो जाए और हमें हमारा कॉलेज जल्दी से जल्दी दे दिया। फर्स्ट ईयर में? हाँ नहीं सेकंड ईयर में सर, तो 6 महीने तो सेकंड ईयर के यहीं पे चले गए हैं सर हमारे, 3 महीने का कह के हमें 1.5 साल से यहीं रखा जा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है कॉलेज में, पढ़ाई कैसे हो रही है फिर? पढ़ाई हो ही नहीं रही है यहाँ पे, बस कुछ एक दो टीचर है जो पढ़ाते हैं हमें, बाकी टीचर नहीं है हमारे पास, ना हमारे पढ़ने की व्यवस्था, ना बैठने की है, ना पानी की है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना हमें दादूपुर का कॉलेज दिया जा रहा है, जबकि हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है इस कॉलेज में। तो एग्ज़ाम में फिर क्या लिखोगे? वही नहीं पता हमको क्या लिखते हैं, यही नहीं पता हमें कि हम पास होंगे या फेल होंगे, हमारा ईयर तो ऐसे ही ख़राब हो चुका है, कैसे करेंगे हम? क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम तो यही मांग करते हैं कि हमें एक हफ्ते में हमारा कॉलेज दिया जाए, वो भी फुल रेडी करके। क्या नाम है आपका? निशा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं डीसी ऑफिस पहुंची हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंची, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं लेकिन ना तो यहाँ पर कमरों की व्यवस्था है और ना ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को आप शेयर करें, लगातार सरकार की ओर से बेटियों को पढ़ाने के तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर सिचुएशन क्या है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चियां जो हैं छोटी छोटी कॉलेज में पढ़ने वाली वो डीसी ऑफिस पहुंची हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी आपसे अपील, इस खबर को आप शेयर करें।